सब मानसिक भावना या दृष्टिकोण के द्वारा ही प्राप्त की है। ये भावना कार्य करते समय उसके कण कण में व्याप्त रहती है। सफलता के लिए विचारों में दृढ़ता रखना और साहसी बने रहना आवश्यक गुण है, नहीं तो असफल होकर आप अपने सृष्टि की योजना को बिगाड़ सकते। अतः प्रत्येक कोने से सफलता को पकड़े। जीवन के अधिकांश काम तथा सफलताएं अधिकांश रूप से या तो पूर्णता, मानसिक दृढ़ता और साहस से विनिर्मित होते हैं। मानसिक वाला अमृत आपके मन में ही है और वहीं से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः मनोभावनाओं में यौवन की उमंग होनी चाहिए और जब तक ये उमंग विद्यमान है आपके मुख मुद्रा से कोई आपकी उम्र का अनुमान नहीं लगा सकता। ओशो ने कहा है, युवक से अर्थ है ऐसा मन जो सदा सीखने को तत्पर हो, ऐसा मन जिसे ये भ्रम पैदा नहीं हो गया है कि जो भी जानने योग्य था वो जान लिया गया है।
गरीबी के सामने हथियार डालने से बेहतर है उससे युद्ध करें, संघर्ष करें। कुछ पाने अथवा बनने के लिए केवल इच्छा रखने से काम नहीं चलेगा। उसकी अटूट आशा मन में जगाइए, उसका विश्वास मन में पक्का कीजिए, क्योंकि विश्वास ही शक्ति है, विश्वास ही प्रेरणा है। आपको जो भी मिलेगा वो केवल दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय के बल पर ही मिलेगा। आपके कार्य, चाहे वे निजी हित में ही क्यों ना किए गए, आपके पूरे गर्व करें, किंतु घमंड बिल्कुल भी ना करें। असाधारण होकर भी साधारण ही बने रहें। दूसरों को शांत भाव से सुने, जितना अधिक हो सके उतना सुने और इसे सीखने की प्रक्रिया माने। विश्वास रखें, ये अवसर हर एक के लिए उपलब्ध और संभव भी है। जीवन, व्यक्ति, परिवार, समाज, कार्यक्षेत्र और राष्ट्र के बीच असाधारण रूप से संतुलन बनाए रखने का ही दूसरा नाम है। और इसी के साथ भाग 20 समाप्त हो